हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो बनाने का एक ही रीज़न है कि जो मेरे साथ गलत हुआ है वो आप तक भी पहुंचा दूं। जो भी मेरे साथ आज घटना घटी है वो सारी की सारी डिटेल में मैं भी आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा। जब भी आप कभी फ़ोन चलाते होंगे तो कोई भी अलग पेज आपके सामने शॉपिंग वगैरह का खुल जाता होगा और आप वो देख के अट्रैक्ट हो जाते होंगे। आपको मीशो या फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन या जो भी ट्रस्टेड एप्लीकेशन होती हैं उन पे ऐसी चीज़ नहीं मिलती होगी जो उन पेज पे देखते ही आपको मतलब मन करता है कि चलो ले लिया जाए। लेकिन ऐसा वो सिर्फ फेक होता है, क्योंकि मेरे साथ हो गया। मैं भी ऐसे ही आ गई। मैं भी स्क्रॉल करती करती और मेरे को कोई एक एप्लीकेशन ऐसी ही खुली जिसका नाम अवस्नु फैब था। उस पर एक से एक सूट निकल के आए जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। आगे आगे तो फेस्टिवल का टाइम है तो लेडीज सोचती है कि चलो अपने लिए कुछ खरीद लिया जाए, कुछ नया खरीद लिया जाए तो फेस्टिवल में पहन लें। लेकिन जब उसका पेज आपको लगेगा ऐसा कि बिल्कुल ट्रस्टेड पेज है, क्योंकि उसके जो सूट भी होते हैं या जो भी कोई कपड़ा होता है जो खरीदते होते हैं तो वो फेक रिव्यू वगैरह डाल के सब कुछ ऐसा ट्रस्ट दिखा देते हैं बंदे को, सामने से रिलायबल दिखा देते हैं कि हाँ वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड पेज है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब मेरे साथ यही हुआ था कि मैंने वो पहले एप्लीकेशन जैसे ही मेरे सामने आई और उसकी मेल वगैरह भी मेरे पास आने लगे तो मैंने वो ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस किया तो वो COD पे ऑर्डर प्लेस हुआ। ऑर्डर तो COD पे भी मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। मैंने कहा देखा जाएगा, जब आएगा तो तभी पैसे दे देंगे। लेकिन तब भी दिमाग ने काम नहीं करा मैं, क्योंकि जब अदर पेज से कोई भी एप्लीकेशन या अलग भी होती है वो अलग पेज से हम कोई डाउनलोड नहीं अलग अलग पेज से अगर हम कोई चीज़ मंगाते हैं और उस पर मतलब ऑनलाइन चार्ज ना दे के हम COD वगैरह पे मंगाते हैं तो एक अलग सा मतलब शांति होती है कि चलो चीज़ देख के पैसे दे देंगे। लेकिन मेरे साथ तब भी नहीं ऐसा हुआ। मेरे साथ तब भी ऐसा हुआ कि क्या नाम है, मेरा दिमाग ना ब्लैंक हो गया जब भी वो कुरियर आया, क्योंकि कुरियर मेरे लंच के टाइम पे आया और उस टाइम मैं काम में लगी हुई थी। मैंने सोचा फटाफट ले लिया जाए, उसके बाद खोल के देखेंगे। लेकिन मेरा दिमाग ही नहीं ये नहीं कहा, सोचा कि ये गलत भी कोई चीज़ दे सकते हैं। जब मैंने वो कुरियर हाथ में ले लिया तो मुझे बहुत हल्का लगा, मतलब ऐसा लगा कि किसी ने एक मीटर कपड़ा रखा हुआ है। और सच में वही बात थी, बल्कि मेरी सासू माँ कह रहे लगी तूने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तभी खोल के देखती। लेकिन कोई बात नहीं, दिमाग नहीं काम करता। मैं बोल भी देती तब भी मेरा दिमाग नहीं उस टाइम काम। मैंने सोचा फटाफट कुरियर लो और काम करो आगे का। मैंने किचन विचन का काम निपटाया, उसके बाद देखा खोल के कि मतलब इतना सुंदर सूट ऑर्डर किया और उन्होंने मुझे थर्ड क्लास एक कपड़ा पकड़ा दिया जो यूज़ वाला था। ये मतलब यूज़ मतलब उस पर दाग धब्बे मतलब घर का जो यूज़ करा हुआ पोचा टाइप होता है ना वो पकड़ा दिया। यार 867 रुपये दिए और उस पर मुझे क्या मिला, मतलब मैं खुद शॉक्ड हूँ। मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है कि मैं मतलब आप लोगों को भी यही कहूँगी कि अगर अलग कोई पेज ऐसा खुल जाता है तुम्हारे सामने तो उसको ट्रस्टेड मत समझना, क्योंकि उसमें बाद में पता चलता है। क्योंकि जब वो मेरे को रिसीव हुआ ना, मैंने बहुत सारी मेल डाली लेकिन मेरी कोई मेल का जवाब नहीं आया। उसके बाद मैं उसी पेज पे गई तो उस पर रिफंड और रिटर्न का भी कोई ऑप्शन है ही नहीं, मतलब उस पर रिफंड और रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं है। बस पॉलिसी तो दिखाई हुई है लेकिन आगे ऑप्शन मैंने इतना ढूंढ लिया वो मुझे सब कुछ नहीं मिला। इसका मतलब यही तो है ना कि आपने चीज़ तो खरीद ली लेकिन उसके बाद रिटर्न और रिफंड का जब ऑप्शन ही नहीं मिलेगा तुम्हें, कहीं उन्होंने कोई ऐसा अपने उसमें पेज पे कोई ऐसी चीज़ मतलब शो ही नहीं करी तो फिर वो देंगे क्यों, क्योंकि वो तो फर्जी है। उन्होंने तो हमें 2 मीटर का कपड़ा पकड़ा दिया। अब मैं दिखाती हूँ आपको, मैं ये साइड में भी दिखा दूंगी मैंने कैसा सूट आपको मैंने अपना कैसा सूट ऑर्डर किया था और मेरे को कैसा मिला है। इतना सुंदर सूट मेरे को मैंने ऑर्डर किया था येलो कलर का और उसमें साइड उसमें आगे बहुत ज़्यादा अच्छे से कढ़ाई वढ़ाई हुई हुई थी और मेरे को लगा कि मतलब उन्होंने इस तरीके से प्राइस दिखाए हुए थे कि 2000 का सूट 800 रुपये में, मतलब वो दिखने में भी अट्रैक्टिव था, सूट बहुत अच्छा लग रहा था, सच में ही होगा। और रिव्यू जब पढ़े कि हाँ उन लोगों ने लिखा हुआ है हमें बहुत अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कपड़े की क्वालिटी, तो बंदे को थोड़ा सा लगता है नहीं सूट अच्छा है ले लिया जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों की भी आंखें खोलने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आप भी थोड़ा सतर्क रहें और आगे चीज़ों को खरीदें, क्योंकि आपका एक एक पैसा बहुत मैटर करता है। आप तो थोड़े थोड़े पैसे करके भी जोड़ते हो उसके लिए, उसके बाद आप अपने लिए खर्च करते हो। तो ये देखो उसकी जगह मेरे को क्या मिला, ये साड़ी का एक कपड़ा, जो पुराने टाइप की साड़ियाँ होती हैं आज के टाइम पे इन्हें कोई नहीं पहनता और ये साड़ी में से बीच में से कट है, मतलब कोई एक साड़ी का आधा बना के
और मेरे को 2 मीटर का कपड़ा पकड़ा दिया, इसमें बीच बीच में धब्बे भी लगे हुए हैं। अरे एक बात और है, ये कैमरे पे बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ऑफ कैमरे के बाद पीछे से ना इस पे कपड़ा ये इतना गंदा दिखता है। अगर मैं दिखाना चाहूँ ना, ये देखो कितने धब्बे लगे हुए हैं इस कपड़े पे, और देखो ये फाड़ के दी हुई है। मतलब किसी ने इतना फर्जी काम करना शुरू कर दिया कि बीच में से 2 साड़ी के पार्ट कर दिए और कस्टमर को दे दिए। पागल समझते हैं कस्टमर को, क्योंकि उसमें बहुत पैसा होता है। तो गाइज मैं भी ये आपको समझाना चाहती हूँ कि आप ही इन लोगों से बचना। थोड़ा सा देखते ही लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है, सुंदर लग रहा है, अरे देखी जाएगी, COD पे ले लेंगे। लेकिन जब COD पे भी ले लेते हैं ना, उस टाइम भी दिमाग काम नहीं करता है। ये बहुत गंदी थर्ड क्लास कपड़ा है। मतलब कैमरे पे इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं है, बिल्कुल भद्दा है, बिल्कुल भद्दा। तो भैया संभाल के लेना, फ्लिपकार्ट अमेजोन से ले लो, मिंत्रा से ले लो, पर इधर उधर की एप्लीकेशन देखो। देखो ये देखो, ये यूज करा हुआ कपड़ा है, इसमें होल भी है। ये देखो ये होल दिखाई दे रहा है ना, और इस होल के पास भी इतने धब्बे हैं, मैं बता नहीं सकती। इस कपड़े को मेरे को हाथ में लेना भी, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें स्मेल इतनी आ रही है जैसे पता नहीं किस बंदे ने इसे यूज करके मेरे को दे दिया। अब ये तो मैं, मेरे लिए कूड़ा है। मेरे तो 800 रुपये गए, 867 रुपये गए, लेकिन ठीक है। अगर मेरे 867 रुपये जो भी है चले गए, लेकिन आप लोगों के काम आती है ये वीडियो, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि चलो मैंने धोखा खाया, तो ओल्ड लेडीज़ ना धोखा खाएं इन चक्कर में, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा फेक हो जाता है, और ये बहुत फ्रॉड स्कैम चलते हैं ऑनलाइन। आपको कैसे भी करके आपका दिमाग बिल्कुल खाली ऐसा कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे कि आपको नहीं सही लगेगा। पढ़े लिखे बंदे को भी अनपढ़ बना देते हैं। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर करना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। थैंक यू सो मच। आगे के लिए आगे और नई अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। आज जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ओके बाय बाय।